Good morning, students. Hello, how are you? So welcome in our next class. And today, as you know that we are doing our next chapter, and that is A Truly Beautiful Mind, and it's all about Albert Einstein. So in our previous class, I have given you the explanation, or we can say introduction, about Albert Einstein, that what was Albert Einstein and what type of things we will do in this chapter, or we will read in this chapter. कि जैसा कि आपको पता है कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कर रहे हैं, और मैंने पहले भी क्लास में आपको बता दिया था कि क्या हम पढ़ेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या चीज़ है. अब उनकी जो एक काम करने की जो कैपेसिटी है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वी विल रीड एंड वी फाइंड आउट इन दिस चैप्टर दैट हाउ ही वॉज कॉल्ड आइंस्टाइन. एज आई हैव टोल्ड यू दैट आइंस्टाइन मीन्स जीनियस. कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आइंस्टाइन का मतलब क्या होता है, जीनियस होता है. तो उसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव डन फर्स्ट टू, सॉरी फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई एम रिवाइजिंग ऑल अबाउट इट. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879. As you know that he was born on 14th March 1879. This was his birth, and where he was born, in Germany, and the city was Ulm. So he was born in Germany, and in Germany he was born in Ulm city, and there, so people know him about his greatness, and that was his best part of life. So we are going to do here the biography of Albert Einstein. So Albert Einstein was born on 14th March 1879. Albert Einstein का जन्म कब हुआ? 14th March 1879 को हुआ. कहाँ हुआ? जर्मनी के अंदर हुआ, और जर्मनी का भी एक शहर है अल्म, वहाँ उसका जन्म हुआ. Without an indication that he was destined for greatness. Actually, without indication, he didn't give any indication at the time of birth, or we can say in his early childhood. शुरुआती बचपन के अंदर किसी प्रकार का indication नहीं था कि एक बहुत ज़्यादा great बच्चा है, क्योंकि उसकी जो माँ है, his mother never thought about it. उसकी माँ ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था. On the contrary, as I have told you, contrary means opposite. So his mother thought Albert was a freak. उसकी माँ जो है वो ये सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है, फ्रैक है. फ्रैक मतलब क्या होता है, कि ऐसा बच्चा जो औरों से अलग काम करता है, अलग चलता है, उसका माइंड थोड़ा कम काम करता है, वो लेट बोलना उसने शुरू किया. तो ये चीजें फ्रैक के अंदर आती है. ठीक है, फ्रैक ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन. कि असंतुष्टि पूर्वक, एक सहमति के साथ में किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, जो अनयूजुअल है, असामान्य है, जो सही ढंग से व्यवहार नहीं करता है, लुक और थिंग सही ढंग से वो देखता नहीं है, सोचता नहीं है लाइक अदर्स, दूसरे बच्चों के समान, उसे फ्रैक कहा जाता है. तो उसकी माँ उसको फ्रैक सोचती थी. एंड टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उसके लिए क्या था, कि उसकी माँ के लिए उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा उसको लगता था. वो सोचती थी कि भी ये किसी काम का नहीं है. तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उसकी माँ के विचार. दिस वॉज द थॉट ऑफ हर हिज मदर अबाउट हिम. सो नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. सो As the age of 2.5 years, when he was 2.5 years old, you know that a child starts talking within 1 year, or we can say just 1.5 year. When he becomes 1.5 year old, he starts talking. But here, when he was 2.5 years old, still at that time he was not talking. He didn't start talking. उसने बात करना शुरू नहीं किया था. जब तक वो 2.5 साल का था, उसने बात करना शुरू नहीं किया था. ये एक unusual चीज थी. बहुत late बोलना शुरू किया उसने. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Now, one more thing happened. That finally, after 2.5 years old, he started talking. But now, whenever he tried to talk, or whenever he was talking, he speak
वर्ड ट्वाइस, वो हर ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द को वो दो बार बोलता था, ये उसकी एक विशेषता वहां पर हो गई थी। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। सो आइंस्टाइन डिडंट नो दैट व्हाट शुड आई डू विद माय क्लासमेट्स, हाउ आई शुड बिहेवियर विद माय क्लासमेट्स एंड हाउ आई बिकम फ्रेंड other boys, so that's why he didn't indulge with all these guys. तो इसलिए क्या है कि वो उन बच्चों में शामिल नहीं हुआ। इंडल का मतलब होता है शामिल होना, तो वो उन बच्चों के साथ में शामिल ही नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं था कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ में व्यवहार कैसे करना है, वो दोस्त कैसे बनाने हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है, ठीक है। तो इसीलिए वो उनके साथ में शामिल नहीं हो पाता था, और that's why his friends means children of his classmates, कि उसके सहपाठी, उसके क्लास के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, उसे ब्रदर बोरिंग कहलाते थे। ब्रदर बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, उबाऊ, जिससे उब जाते हैं, होता है सबके साथ होता है। आप लोग पढ़ते हो तो आपकी क्लास में भी हर बच्चे एक जैसा नहीं होते, तो क्या होता है उसमें, यू नो वेरी वेल दैट इन योर क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल और सेम। सम आर वेरी गुड, सम आर वेरी लेजी, सम आर वेरी आइडल, सो there are various types of students in your class also. So you have your opinions about all these children. So here that was the same thing with Albert Einstein. His classmates had their own opinion about Einstein and they thought that he is a very boring guy. वो यही सोचते थे कि ये एक बहुत ही boring लड़का है, क्योंकि उसके सहपाठियों की भी यही क्या थी, एक उनकी राय थी उसके बारे में। So the youngster played by himself much of the time. So that's why this youngster means here we are talking about Albert Einstein. Here youngster is used for Albert. Okay. So if you are asked that youngster refers to, so youngster refers to Albert Einstein. Okay, so Albert Einstein played himself all the time. इसलिए Albert Einstein क्या करता था, खुद ही खेलता था much of the time, ज्यादातर समय जो है वो क्या करता था, अपने साथ में ही खेलता था, खुद अकेला बैठा खेलता रहता था, किसी का साथ उसमें नहीं था। He specially loved mechanical toys. Listen to me carefully. When he was child and he was playing individually or alone, most of time he spent himself alone. At that time he loved mechanical toys. वो क्या करता था, बच्चे जो है उनको तो हर प्रकार की चीजें अच्छी लगती है, कार्टून अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको जो है वो दूसरे खेल अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। पर यहाँ पर क्या था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही क्या चीजें पसंद थी, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। ये यंत्र, यानी कि ये जो आपके चाबी वाले या दूसरे रिमोट से चलने वाले या इस तरह के जो खिलौने आते हैं, ऐसी चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, fine, but where are her wheels? कितनी बढ़िया बात उसने कही। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई, he looked at his newborn sister, नए जन्म लेने वाली नवजात शिशु, अर्थात एक newborn मतलब नवजात, एक नवजात जो है infant को बोलते हैं newborn, infant, एक नवजात शिशु जिसकी बहन जो है पैदा हुई, तो उसने जैसे ही अपने बहन को देखा, अब जैसे आपको बताया मैंने, as I have told you that he loved mechanical toys so much when as he saw his sister, there was a question and his question was, उसका एक प्रश्न था वहां पर, उसका प्रश्न क्या था, where is his tires, इसके टायर कहाँ हैं, क्योंकि उसको लगा ये भी क्या है, खिलौना सा है, छोटी सी है, खिलौना है, तो उसने भी सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा कि बट वेयर आर ही हर व्हील्स, कि अरे इसके हील्स कहाँ हैं, व्हील्स सॉरी, इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं, ये चलेगी कैसे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession without matter, because he will never make a success at anything. So after that, in third paragraph, we are reading that after taking admission in school, what was the opinion of his teachers?
कि जब उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में उसके जो टीचर्स थे उनकी क्या ओपिनियन थी, उनकी क्या राय थी, अब हम वो चीज इसमें देख रहे हैं। तो जैसे ही उसने क्या किया, वहां स्कूल में एडमिशन लिया, एज ही टुक एडमिशन इन द स्कूल, सो ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, सो वंस इन अ पीटीएम और व्हेन हिज फादर मेट विद द हेडमास्टर, हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर, हेडमास्टर ने इसके पिता को कहा, क्या कहा, दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करेगा, क्या व्यवसाय चूज करेगा, काम किस क्या काम करेगा, डजंट मैटर, कोई मामला ही नहीं है इसका, कोई महत्व नहीं रखता। क्यों महत्व नहीं रखता, क्योंकि हर चीज में फेल है, ये कोई काम ही नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। व्हाट इज हेडमास्टर वाज सेइंग, दिस मैन हेडमास्टर वाज सेइंग दैट व्हाटएवर ही विल डू ही नेवर गेट सक्सेस इन एनीथिंग एल्स, कि जो कुछ भी वो करेगा, वो चाहे कुछ भी करे, he never get success, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेगा, he will never get success, कभी सफलता प्राप्त नहीं करेगा। तो Einstein began learning to play the violin at the age of 6, so when he was 6 year old, so he started playing the violin, violin आता है इस प्रकार से बना हुआ, इस तरह का एक बना हुआ आता है जिसके अंदर जो है ये तार लगी हुई होती है इस प्रकार से, ठीक है, और ऐसा एक यहाँ तार होता है जिससे उसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो एट द एज ऑफ 6, व्हेन ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, ही स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, एंड व्हाई ही स्टार्टेड ट्राइंग प्लेइंग वायलिन बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू डू सो, उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट एंड आफ्टर दैट ही बिकम ए वेरी एमेच्योर वायलिनिस्ट, एमेच्योर मतलब अपरिपक्व, here you have given the meaning of amateur, okay, doing something for personal enjoyment rather than as a profession, okay, so rather than a profession he enjoyed it personally, usne profession ke roop mein isko choose nahi kiya, apne kaam ke roop mein violin ko choose nahi kiya, wo apne enjoy ke liye violin bajata tha, to isliye wo ek amateur violinist tha, maintaining the skill throughout his life, aur usne apni is skill ko apne is uske andar jo gun tha वैल्यू जो थे उसको उसने पूरी थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट मतलब पूरी अपने पूरे जीवन काल के दौरान उसने इसको अपने साथ रखा, अपनी स्किल को डेवलप किया और हर वायलिन बहुत अच्छा उसने बजाना सीख लिया। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पपी, नाउ व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर, राइटर इज सेइंग हियर दैट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पपी, एक बुरा शिष्य नहीं था, पपी मींस स्टूडेंट, so he was not a bad pupil, वो एक बुरा student नहीं था, he went to high school in Munich, Munich में वो high school में गया, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, so why he went into Munich, because his family was moved over there when he was 15 months old, 15 months old means you know that 12 months means 1 year and then 3 we can say after 15 months he went into the family went into the Munich, so that's why he had to go with him, to usko jana pada unke sath mein, and scored good marks in almost every subject, and there when he was in the school he scored good marks in every subject, ki usne wahan par kya kiya, har subject mein acche marks jo wo gain kiye. Einstein hated the school's regimentation and often clashes with his teachers, so here what the author is saying, regimentation, orders, regimentation means orders, here the poet is saying Einstein didn't love the regimentation means orders of the teacher over there, he scored good marks but he didn't like the behavior of the teachers, how the way they ordered the Einstein in the class, he didn't like that, he was just tarike se usne order karte the wo teachers Einstein ko, usse bilkul bhi pasand nahi aaya, wo pasand hi nahi karta tha unko,
तो उसने उसको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया वहां पर। सो ऑफन क्लैशेस विद दिस टीचर्स, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता था, क्लैशेस होते थे, क्लैशेस झगड़े कि अक्सर क्या होते थे, क्वॉल्स झगड़े कि अक्सर उनके आपस में जो टीचर्स है उसके साथ में झगड़े होते थे। तो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। सो व्हेन ही वाज 15 इयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल का था, उसने क्या किया कि वो बहुत बुरी तरह से जो है वो सांस लेना मुश्किल हो गया था, अनेबल टू ब्रीथ। स्टिफल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू ब्रीथ, कि वो क्या है कि सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था। जब सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया तो ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड द प्रीवियस ईयर, पिछले ही साल, व्हेन ही रोट दिस चैप्टर और हियर द ऑथर इज सेइंग दैट द प्रीवियस ईयर हिज पेरेंट्स मूव्ड टू मिलान, सो फ्रॉम म्यूनिक दे वेंट टू मिलान, कि म्यूनिक से वो कहाँ चले गए, मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, बट दे डिडंट टेक देयर सन विद देम, परंतु वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर के नहीं गए, और उन्होंने अपने बेटे को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि वो खुद तो कहाँ चले गए, मिलान चले गए, परंतु उन्होंने आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. So after a prolonged decision, prolonged मतलब काफी लंबी चर्चा के बाद में, ठीक है, उन्होंने उसने आखिरकार एक decision लिया that he will continue his study, कि वो अपनी study को लगातार जारी रखेगा। And कहाँ जारी रखेगा? Where he will study? So he will study in German-speaking Switzerland. Switzerland where people are speaking Germany, German language. So he will study in Switzerland and in a city which was more liberal than Munich. And he will study in a city that is more liberal, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी है. Liberal मतलब आज़ादी, freedom. Liberal यानी कि freedom. तो उसने क्या किया कि उसने डिसीजन लिया कि ही विल गो टू स्विट्जरलैंड एंड देयर ही विल स्टडी, एंड बिकॉज व्हाई ही विल गो टू स्विट्जरलैंड, बिकॉज इन स्विट्जरलैंड देयर वाज मच लिबरल देन म्यूनिक, म्यूनिक की बजाय जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे ज़्यादा हमको आज़ादी बच्चों को मिलती थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस दैट आइंस्टाइन वॉज वेरी इंटेलिजेंट subjects, and these two subjects are mathematics and physics. He always took interest in mathematics and physics. उसने maths और physics में हमेशा बहुत ज़्यादा interest उसने लिया. And after finishing schools, he decided to study at university in Zurich. And after that, when he finished his study in school, as you have passed 12th class in school, after that you will go in college. जैसे आप 12th class pass कर लोगे तो उसके बाद कहाँ जाओगे? College में जाओगे. So like that, he also went into the college. इसी तरह ये भी कहाँ गया? College में गया. और college कहाँ पर गया? University, एक university है, विश्वविद्यालय है, Zurich में. Zurich is a place. Zurich एक स्थान है, तो वहाँ पर वो चला गया. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Means here the author is saying that only science was not the thing. कि केवल एक साइंस ही नहीं थी जो आइंस्टाइन को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करती थी. Appealed means attracted. Okay. Appeal attracted. Only science was not the thing that was attracting Einstein. कि वो साइंस ही कुछ चीज़ नहीं थी जो आइंस्टाइन को अट्रैक्ट कर रही थी to the dashing young man. Dashing means that looking young man. This young man who with the walrus mustache means he had a walrus type mustache. Mustache मतलब मूछे, as you can see in the picture here. Okay, so these types of mustaches are called walrus mustaches. So today is sufficient in this class. So next
chapter we will do in our next video. Till then, goodbye and take care. Thank you.